बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटा कैपेसिटर्स की सीरीज के थर्ड लेक्चर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा कौन आज का टॉपिक है व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये हमारा आज का टॉपिक। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? ये है एक सर्किट, ये एक कैपेसिटर है, ये एक दूसरा कैपेसिटर है, ये एक तीसरा कैपेसिटर है और ये इनके साथ बैटरी है। सीरीज कैपेसिटर्स में होगा क्या? पहली बात तो ये है कि हमने ये बात पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन बैटरी अपने नेगेटिव टर्मिनल से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकालती है उतने अपने पॉजिटिव टर्मिनल पे वसूल करती है। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स लीविंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराइविंग एट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये हमारा पहला पॉइंट, ठीक है कि नहीं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीविंग द बैटरी, लीविंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, लीविंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराइविंग एट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी is equal to number of electrons arriving at positive terminal। ये बड़ा एक important point है। हम ये point बार बार पहले mention भी करते रहे हैं, हम ये point बार बार mention भी करते रहे हैं और इसको हम आगे अब लेके चलते हैं। अब ये चीज देखें, जो अहम बात है, जो सुनने वाली बात है कि फर्ज करें यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां निकले। लेट्स से मैं वैसे बात करता हूं, होते तो मिलियंस में ही है लेकिन, या चलें ऐसे कर लेते हैं कि यहां से 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए और एक नेगेटिव समझे आप 1 मिलियन है। ये 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, 5 नेगेटिव, 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच के रुक गए। अब ये न्यूट्रल प्लेट है, इससे अगर आप इलेक्ट्रॉन छीनेंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इससे अब बैटरी ने अगर यहां से 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो यहां से 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स वो लेगी। तो उसने यहां से 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स स्नैच किए। जब वो 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स यूं चल पे गए तो यहां पर जो चार्ज आ गया वो प्लस 5 मिलियन का चार्ज। कितना चार्ज है? प्लस 5 मिलियन का चार्ज। अब होगा क्या? अब बेटा ये वाली जो प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज है, ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और ये दोनों जो हैं इनके ऊपर जो चार्ज है वो इस न्यूट्रल प्लेट को इन्फ्लुएंस करेगा और ये प्लेट फिर इस प्लेट को इन्फ्लुएंस करेगी और ये प्लेट इस प्लेट को और फिर इसका इन्फ्लुएंस इस पर होगा। यानी इस प्लेट का इन्फ्लुएंस इस तरफ को ट्रेवल करेगा और उसका इन्फ्लुएंस इस तरफ को ट्रेवल करेगा और दोनों का एक कंबाइंड इफेक्ट होगा। उसकी वजह से होगा क्या? देखिए यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को चल पड़ेंगे और यहाँ पर भी प्लस 5 मिलियन का चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रॉन्स 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और यहां पर भी 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है? और यहां इनकी वजह से यहां वाले जो न्यूट्रल प्लेट है इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन फील होगी, वो इस तरफ को चल पड़ेंगे और उनको जाहिर है इसकी प्लेट की अट्रैक्शन भी महसूस होगी। तो यहां से 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन जब इस प्लेट से इस तरफ को गए तो यहां पॉजिटिव चार्ज हो गया ये, और ये 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंचे तो यूं हो गया। तो जो वेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपने देखी वो है कि चार्ज स्टोर्ड इन द सीरीज सर्किट इज सेम। ये जो पॉइंट पहला पॉइंट हमने बल्कि ये लिखा था
पहला पॉइंट हमारा ये था कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीविंग द नेगेटिव टर्मिनल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराइविंग एट द पॉजिटिव टर्मिनल, और अब हमने दूसरा पॉइंट लिखा है कि चार्ज स्टोर्ड इन सीरीज सर्किट ऑफ कैपेसिटर इज सेम। चार्ज स्टोर्ड इन सीरीज सर्किट ऑफ कैपेसिटर इज सेम, ये हमारा दूसरा पॉइंट। अब इसको समझते हैं किस तरह से। अब आपने पढ़ा हुआ है कि अब Q इज इक्वल टू सी वी है, और अगर चार्ज कांस्टेंट है, सारे कैपेसिटर्स को सेम चार्ज मिल रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। छोटे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ज्यादा होगी और बड़े कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कम होगी। ठीक है, इसी बात को हम वजाहत करते हैं कैसे। इसकी बात ये हो जाएगी, ये फोर्थ बल्कि ये थर्ड पॉइंट ही चल रहा है, 3A कह लें तो उसको मुनासिब रहेगा। वो ये है कि फर्ज करें आपके पास तीन कंटेनर है। ठीक है, आपको याद है मैंने ये बात बताई थी कि कैपेसिटर को आप एक वाटर टैंक के तशबीह ले सकते हैं, यानी एक वाटर टैंक है, यूं करके ये एक वाटर टैंक है। अब इस वाटर टैंक का जो बेस एरिया है, वो कैपेसिटेंस है। इसमें जो पानी है वो चार्ज है, और पानी की जो हाइट है वो पोटेंशियल है। ये हमने एक बात कही थी, हमने मिसाल दी थी, दोबारा सुन लें। मैंने क्या कहा कि एक वाटर टैंक है, ऐसे करके वाटर टैंक है, ओपन इसका टॉप है, और ये इसकी जो बेस है ये इसकी कैपेसिटेंस से रिलेटेड है, बेस एरिया जो है। अब उसमें जितना आप पानी डालते हैं उसको आप चार्ज समझ लें, और पानी की हाइट को आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल समझ लें। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी आपको पता है कि एनर्जी होती है 1 कूलम की, और हाइट ऑफ वाटर भी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट होती है, और अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो चार्ज से तशबीह दी है। बेस एरिया कैपेसिटेंस, बेस एरिया का बड़ा होना हाइट को कम करता है, इसी तरह से कैपेसिटेंस का ज्यादा होना वोल्टेज को कम करता है, अब इस चीज को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। 3A पॉइंट ही हमारा चल रहा है, ठीक है कि नहीं। ये फर्ज करें आपके पास एक कंटेनर, ये आपके पास कोई दूसरा कंटेनर है, दोनों इस तरह है, और ये आपके पास कोई तीसरा कंटेनर। आपने सारों में एक एक बाल्टी पानी की डाल दी, आपने सारों में क्या किया, एक एक बाल्टी पानी की डाल दी, ठीक है। अब एक बाल्टी पानी इसमें जब गया तो वो यहां तक आया, और वही एक बाल्टी पानी की जब इसमें डाली गई तो वो यहां तक आई, और यहां जब आपने एक बाल्टी पानी डाला तो वो इधर तक आ गया। अब देखें सब में पानी की अमाउंट सेम है, मगर इसकी बेस एरिया ज्यादा है तो इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है, और इसकी कैपेसिटेंस दरमियान वाली है और इसकी कैपेसिटेंस सबसे कम है। सेम उनमें पानी था, लेकिन इसमें हाइट इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसका बेस एरिया छोटा है, ठीक है कि नहीं। अब अगर आप इसके बेस एरिया को B1 कहें, इसके बेस एरिया को B2 कहें, इसके बेस एरिया को B3 कहें, इसकी हाइट को H3 कहें, इसकी हाइट को H2 कहें, इसकी हाइट को H1 कहें, तो आप नोट करेंगे कि B1 इज बिगर देन B2 एंड विच इज बिगर देन B3, हेंस हाइट H1 इज लेस देन हाइट H2 एंड विच इज लेस देन हाइट H3। इसी से पता चला कि जब सीरीज में कैपेसिटर्स जोड़े जाते हैं तो वो चूंकि सेम चार्ज स्टोर करते हैं, तो C1 और C2 और C3 की जो रिलेशनशिप है, अगर C1 बड़ा है C2 से और C2 बड़ा है C3 से, तो फिर जो वोल्टेज है सबसे छोटे के क्रॉस बड़ी होगी, फिर V3 सबसे बड़ा होगा और इसके क्रॉस वोल्टेज सबसे कम होगी। V1 लेस देन V2 एंड V2 इज लेस देन V3। जिन लोगों को ये इनइक्वालिटी साइन में कंफ्यूजन होती है, मैं उनको सिर्फ इतनी बात बता देता हूँ कि चोंच वाली साइड
छोटी होती है और इस तरफ जहां मुंह खुला हुआ है इसका वो साइज बड़ी हो, ए और इस तरह लिखा हुआ हो तो ये पढ़ा जाएगा ए इज लेस देन बी, और अगर ये इस तरह लिखा हुआ हो तो पढ़ा जाएगा ए बिगर देन बी। इसी तरह से इफ सी इज बिगर देन सी टू एंड सी टू इज बिगर देन सी थ्री देन वी वन इज लेस देन वी टू एंड वी टू इज लेस देन वी थ्री। ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है। अब उसके बाद अगली बात जो मैंने आपको बतानी है वो ये है, इसी को एक और मिसाल ले लें, 3B हम उस मिसाल को कह देते हैं, वो ये है कि आप जरा नोट कीजिएगा ये कि ये एक छोटा बक्सा है, ये एक बड़ा बक्सा है, ये एक उससे बड़ा बक्सा है। बेटा इसमें 10 सरहाने रखने हो तो बड़े आसान, कोई खास वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ये 10 सरहाने आ गए इसमें, थोड़े से ये इस तरह करना ठीक है, और ये आपने इसके ऊपर ढकना डाल दिया। अब इसमें 10 सरहाने रखने हो तो थोड़े मुश्किल, और यूं ऊपर से जोर लगाना पड़ता है इस तरह से, तो इसमें इस तरह का मामला होगा। इसमें 10 सरहाने रखने हो आप देखें, इसमें 10 सराने रखने के लिए इससे जरा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, इसमें 10 सराने ठूंसने के लिए ऊपर से बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसकी अगर कैपेसिटेंस जो है वो C3 है विच इज लेस देन इसकी कैपेसिटेंस विच इज लेस देन इसकी कैपेसिटेंस, तो फिर इसके क्रॉस जो वोल्टेज V3 है वो इधर वर्क डन से ज्यादा बड़ी वोल्टेज है और ये उससे भी ज्यादा बड़ी वोल्टेज, ठीक है। इस बात को जहन में रखें। अब जब सीरीज में आप कैपेसिटर्स जोड़ते हैं तो मुमकिन है ये कैपेसिटर बहुत बड़ा है, ये बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता था, मगर ये कैपेसिटर छोटा है, ये चार्ज थोड़ा स्टोर करता है, इसके थोड़ा चार्ज स्टोर करने की वजह से ये भी अब थोड़ा चार्ज ही स्टोर करेगा। ये इसका मतलब है कि ये इसकी मिसाल ऐसे ही है कि फर्ज करें कि 3 दोस्त जो थे ना वो एक खाने की टेबल पे बैठे, ठीक है कि नहीं, और वहां रूल ये था कि जो सबसे कम खाना खाएगा बाकियों को भी उतना ही खाना खाना पड़ेगा, या यूं समझ लें कि सबसे छोटे साइज का जो कैपेसिटर था ना वो उसके हुक्म चल रहा था। तो यहाँ पर ये एक बहुत मोटा बंदा था, ये बहुत ज्यादा खाना खा सकता था, ये दरमियाने साइज का बंदा था, ये बहुत पतला था, इसलिए, और ये फर्ज करें ये दो पतला बंदा था ये इन दोनों के लिए सीनियर था, इसने सिर्फ एक सैंडविच मंगवाया, उसकी वजह से ना इसके रिस्पेक्ट में इसने भी एक ही सैंडविच खाया और इसने भी एक ही सैंडविच खाया, इसका मतलब ये है कि टोटल जो ईटिंग हुई वो बड़ी कम हुई। इसी तरीके से कैपेसिटर्स जो थे जब सीरीज में जोड़े जाते हैं तो मुमकिन है कि ये कैपेसिटर जो C1 था ये बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता था मगर C3 नहीं स्टोर कर सकता था। अब C3 ने जो कि कम चार्ज स्टोर किया है उसकी वजह से इसने भी कम चार्ज स्टोर किया है और इसने भी कम चार्ज स्टोर किया है, तो पता चला कि चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी इन सीरीज सर्किट इज ग्रेटली हिंडर्ड, बहुत ज्यादा हिंडर हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं उसके लिए, सीरीज में जब चार्ज स्टोर किया जाता है तो वो ग्रेटली हिंडर हो जाती है, तो फिर उससे क्या फर्क पड़ता है वो मैं बात आपसे करने लगा हूं। वो ये है कि ये देखें कि अब मैं एक छोटी सी बात बीच में मुझे चाहता हूं बताने के, जब आप कहते हैं कि जी ये एक कैपेसिटर है और ये एक और कैपेसिटर है और इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटर वो होता है जो अकेला वो फंक्शन परफॉर्म करे जो इन तीनों ने मिलके परफॉर्म करना है, उसे इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहेंगे। और हम जनरली जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है वो बैटरी के परस्पेक्टिव से डिफाइन करते हैं। बैटरी के परस्पेक्टिव से डिफाइन करना क्या होता है, फर्ज करें ये कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, फर्ज करें ये कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ठीक है। अब इसके साथ आपने यहां बैटरी जोड़ दी यूं करके इस तरह करके, ये वायर है और ये डब्बा है, ये चीज बॉक्स है और ये वायर है और ये भी एक वायर है और ये बैटरी है, ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है 1। अब ये एक कोई और सर्किट है, ये भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सर्किट 2। अब इसको ये देखें
ये इस तरह से कर लिया आपने। अब अगर फर्ज करें कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है और ये भी 12 वोल्ट की बैटरी, और यहां से करंट फ्लो करता है 1.2 एम्पियर और यहां से करंट फ्लो करता है 1.2 एम्पियर, भले इसमें 100 रेजिस्टर लगे हों, इसमें 300 रेजिस्टर लगे हों, इसमें 400 कैपेसिटर लगे हुए हों, इसमें 500 कैपेसिटर लगे हों, इसमें 600 कॉयलें हों, इसमें 100 कॉयलें हों, मगर बैटरी के परस्पेक्टिव से ये इक्विवेलेंट सर्किट है। मुमकिन है और इनमें मुख्तलिफ फर्क हों, लेकिन बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इक्विवेलेंट सर्किट है। ये इसलिए इक्विवेलेंट सर्किट है कि बैटरी कहती है कि मैं इसको भी 1.2 एम्पियर दे रही थी, इसको भी 1.2 एम्पियर दे रही थी, तो इक्विवेलेंट ये होती है। अब आप ये नोट करें, ये एक कैपेसिटर, ये एक और कैपेसिटर, ये एक और कैपेसिटर, इस तरह से करके, और यहां पर हमने बैटरी लगा दी। इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, इसकी कैपेसिटेंस C3 है। मैंने कहा था यहां से 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए थे, एक नेगेटिव को 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स में, यहां से 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए थे, यहां से इस न्यूट्रल बॉडी से, इस न्यूट्रल प्लेट से 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन जब यहां गए तो ये यूं हो गया और ये चीज ऐसे हो गई। यहां से 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, अब आप ये चीज देखो कि चार्ज इन सब पे सेम है, जो चार्ज इस पे है वही चार्ज इस पे है, वही चार्ज इस पे, ठीक है। और इनमें से अगर C1 जो है वो C2 से बड़ा है और C2 अगर C3 से बड़ा है तो इसके क्रॉस वोल्टेज कम होगी, क्योंकि बड़े कैपेसिटर में चार्ज भरना फिर आसान होता है और छोटे कैपेसिटर में चार्ज उतना ही चार्ज भरना मुश्किल होता है, तो उसकी वोल्टेज सबसे ज्यादा होगी, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर वोल्टेज है V3 जो सबसे ज्यादा है, और यहाँ पर वोल्टेज है V2 और यहाँ पर वोल्टेज है V1, ठीक है। अब इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर वो कहलाएगा, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर वो कहलाएगा जो अकेला बैटरी से उतना ही चार्ज वसूल करेगा जितना इन तीनों ने मिलके किया, यानी यहां से 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन गए और यहां से 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। अब ये 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस पर स्टोर करवाने के लिए बैटरी की सारी वोल्टेज खर्च होगी। अच्छा आप देखें, ये नोट करें आप एक बात, वो गौर करने वाली बात है, बहुत गौर करने वाली, कि ये फर्ज करें 12 वोल्ट की बैटरी, लेट अस सपोज फॉर अ वाइल कि मैं कहता हूं कि इसको 3 वोल्ट मिले हैं, इसे 4 वोल्ट मिले हैं और इसे 5 वोल्ट मिले हैं, और आप नोट करें कि इसे 12 वोल्ट मिले। अब देखें इसके पास भी वो, इसके नेगेटिव प्लेट पे भी 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन थे, इधर से 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, इसके भी इधर नेगेटिव प्लेट पे 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, यहाँ 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ से 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, तो इस पे भी वही चार्ज, इस पे भी वही चार्ज, इस पे भी वही चार्ज, इस पे भी वही चार्ज। इसमें आप समझें, इसकी मिसाल आप, बल्कि इसकी मिसाल आप समझें कि ये कोई टैंकी है या कोई बक्सा है जिसमें आपने कुछ सरहाने रख दिए, 10 सरहाने रखे आपने, 10 सरहाने रखने के वजह से, 10 सरहाने रखने की वजह से आपको कुछ काम करना पड़ा, वो 5 वोल्ट है, तो लेट से आप उसको 5 वोल्ट का वर्क कर देते हैं, इतना करना पड़ा, 1 कूलम के लिए कहते हैं, लेकिन बरल आप वोल्टेज वर्क ना से रिलेट होती है। अच्छा इसके लिए आपको कितना करना पड़ा, ये बक्सा उससे साइज में छोटा था, इसीलिए क्या करना पड़ा, उसमें उतना ही चार्ज स्टोर करने के लिए जो है वो, एक मिनट है, ये मैं C1 की बात कर रहा था कि इसके लिए, सॉरी इसके लिए ये आपको 3 वोल्ट्स का वर्क करना पड़ा, ये बक्सा ये है, 3 वोल्ट्स का वर्क करना पड़ा, 3 जूल्स का वर्क करना पड़ा पर कूलम। अब यहां पर आपने इसमें फिर वही 10 सराहने ढूंढ से इसमें आपको वर्क डन करना पड़ा 4 वोल्ट्स का, ठीक है। ये वाला बक्सा उससे भी छोटा था, ये छोटा बक्सा था, इसमें वही 10 सरहाने ठूंसने के लिए आपको 5 वोल्ट्स का वर्क करना पड़ा। जस्ट इमेजिन वो कौन सा बक्सा होगा जिसमें 10 सरहाने भरने के लिए आपको 12 वोल्ट्स का वर्क करना पड़ेगा, यानी इन तीनों के मिलाकर वर्क करना पड़ेगा। पता चला वो बहुत छोटा कैपेसिटर होगा, वो इन तीनों से छोटा होगा,
इसका मतलब है जब भी तो उस अकेले ने उसमें 10 सरहाने ठूंसने के लिए आपको ऊपर से 12 वोल्ट का वर्क करना पड़ा। वोल्टेज है तो एनर्जी की किस्म है ना, एनर्जी ऑफ 1 कूलम। तो पता चला कि ये वाला जो इनका टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा वो इन तीनों से भी छोटा होगा। तो पता चला कि जब कैपेसिटर्स सीरीज में जोड़े जाते हैं तो उनकी चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी कम पड़ जाती है और टोटल चार्ज स्टोर बहुत ही कम होता है और उनकी टोटल कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर। अब इसको जो प्रूफ जब मैथमेटिकल करेंगे तो इसकी जो टोटल वोल्टेज है वो इसकी वोल्टेज जमा इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज के बराबर है, ठीक है कि नहीं। अब आप देखें इसमें आप Q ओवर C टोटल इज इक्वल टू Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3 करें, ऐसे कर लें। अब देखें Q ओवर C टोटल इज इक्वल टू Q, इस तरह कॉमन लें, 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3, यूं कर लिया। अब इस Q के साथ इस Q को आपने कैंसिल कर दिया, आपके पास टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज का फार्मूला क्या बना, ये चीज बनी आपके पास, ठीक है। अब इस चीज को जहन में रखें कि इसमें होता क्या है। अगर आप 1/3 + 1/4 + 1/5 करेंगे तो यहां जो कुछ भी 1/ आएगा वो 3 से भी छोटा होगा, ठीक है कि नहीं। वो किससे छोटा होगा, वो 3 से भी छोटा होगा। और ये आप बेशक इसको आप आजमा के देख सकते हैं, मैथमेटिकली बेशक करके देख लें कि इट विल बी इवन स्मॉलर देन दिस, ठीक है। तो उसमें ये बात आ जाती है कि व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टोटल कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो टोटल कैपेसिटेंस जो है वो क्या होती है। जी मैंने क्या बात आपको बताई कि जब आप ये चीज देखें कि सीरीज में कैपेसिटर्स ये वैल्यू इससे कम आएगी, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि सीरीज में आपकी कैपेसिटेंस डिक्रीज करती है और टोटल कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा अब एक बात और इसमें मजे की आपको मैं बताता हूँ, वो पूछें कि वो क्या है। अगर आपसे अच्छा ये देखें ये वाला स्टेप जो है ये शायद आपको मुश्किल लगे, मैंने इसमें जो कॉमन मिस्टेक देखी है ना बच्चों की वो ये देखिए कि वो ये स्टेप भूल जाते हैं और ऐसे कर लेते हैं। मैंने अमूमन बच्चों को देखा ये काम करते हैं, ये गलत है, इस तरह ना किया करें, उनको नहीं याद रहता। तो ये चीज इसमें अगर आपने सी टोटल को ऊपर लाना भी है उसके ऊपर लाने से ये चीज ऐसे होगी, ठीक है कि नहीं। अच्छा अब इस तरह से है कि चार्ज स्टोर इन सीरीज सर्किट इज सेम और सीरीज सर्किट में जो कैपेसिटर सबसे छोटा है उसके क्रॉस वोल्टेज सबसे ज्यादा है, सीरीज सर्किट में जो कैपेसिटर सबसे बड़ा है उसके क्रॉस वोल्टेज सबसे कम है, और उन तो सीरीज में कैपेसिटर्स के कनेक्ट होने से चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी डिक्रीज कर जाती है और क्या कहते हैं ये इसकी टोटल कैपेसिटेंस बनती है, ठीक है। और टोटल कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट और कोई कंटिन्यूस करंट फ्लो नहीं कर सकता। देखिए ना इनमें कंटिन्यूस करंट कभी भी नहीं फ्लो करेगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स मुसलसल यूं जाते रहे, क्यों, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर है तो ओपन सर्किट ना, तो ये एक आम रेजिस्टर की तरह तो नहीं है। एक आम रेजिस्टर की तरह इसमें बैटरी मुसलसल ड्रेन आउट नहीं होती, क्योंकि इसमें तो जाहिर है बैटरी ने एक बार चार्ज दे दिया वो जाके रुक गया। ये उस तरह की मिसाल, ये ऐसी जैसे आप ट्रैफिक जा रही थी रास्ते में कोई ब्लॉक हो गई रोड तो वहां जाके ट्रैफिक रुकना शुरू हो गई और फिर ट्रैफिक आगे नहीं चलती, जब चौक हो जाती है वो जगह तो ट्रैफिक आगे नहीं चलती, ट्रैफिक रुकी भी होती है। तो इस तरह से ये चौक्ड ट्रैफिक की तरह के ये सर्किट्स बनेंगे, वो इनकी मिसाल सही बनती है। अच्छा जी अब ये इनकी टोटल कैपेसिटेंस इस तरह से हो गई, ठीक है। अच्छा इसमें एक मजे की बात आपके लिए आसानी की बात है, वो पूछे वो क्या। फर्ज करें अमूमन आपको पता है कि जो कैपेसिटर्स हम स्कूल लैब में बच्चों को देते हैं काम करने के लिए टू वर्क विद वो माइक्रोफेरेड्स के होते हैं। मिसाल के तौर पर इसके बारे में मैं कहता हूँ जी इसकी कैपेसिटेंस है 2200 माइक्रोफेरेड, इसकी कैपेसिटेंस है 1500 माइक्रोफेरेड, इसकी कैपेसिटेंस है 470 माइक्रोफेरेड।
अब आपसे कहा जाता है कि इनकी टोटल कैपेसिटेंस निकालें। अब आपको पता है इनकी टोटल कैपेसिटेंस निकालना एक अच्छा खासा अजाब है। अब आप यूं क्या करेंगे, ये माइक्रो के लिए 10^-6 और इसके लिए 1500 × 10^-6 और फिर इसके लिए 1/470 × 10^-6। ये खासा मुश्किल काम नहीं, खासा प्रॉब्लमेटिक काम है और कोई पता नहीं आपसे इधर उधर हो जाए पावर्स का मसला। तो एक छोटी सी फैसिलिटी आपके लिए है, वो ये है कि आप जब टोटल कैपेसिटेंस निकाल रहे हो तो थोड़ी देर के लिए आप माइक्रोफेरेड को भूल जाएं, सिर्फ 2200 लें, 1500 लें, 470 लें, ले लिया आपने। इससे आपने इनकी कैपेसिटेंस निकाली। फर्ज करें मैं मिसाल देता हूं, मुझे नहीं पता सही क्या आंसर आएगा, लेकिन आपको पता है इतना होगा कि वो 470 से भी छोटा होगा। और फर्ज करें सारा एलसीएम शेल्सियम लेकर सिंप्लीफाई करने से लेट से वो आ जाता है, लाभ का भला करे 220 इसके साथ। अब आप माइक्रोफेरेड का लफज लिख लें, यानी इसका मतलब है कि आप शुरू में माइक्रोफेरेड को हटा लें, इन सारों को सिंपली वर्क करें, आखिर में जो नंबर है उसके साथ माइक्रोफेरेड लिख दें, बजाय ये कि ये नंबर शुरू में इंसर्ट करके इसको साथ लेके चलें। क्योंकि अगर आप बेसिक अर्थमेटिक में शार्प नहीं है तो फिर आपसे गलती हो जाएगी। तो अब ये थी बात सीरीज कैपेसिटर में। सीरीज कैपेसिटर में एक चीज और आपको बतानी है, वो ये है कि अगर ये दो कैपेसिटर हो तो इनके लिए उस फार्मूले को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाता है। वो फार्मूला क्या है, 1/C total इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। अब ये 1/C total इज इक्वल टू C1 C2 और ये C2 + C1, ये 1/C total। अब इसको उल्टा कर लें, C total पूरा सारा इस चीज को अगर उल्टा करेंगे तो इसे भी उल्टा करेंगे, ये C1 C2 over C1 + C2, ये बनता है जी टोटल कैपेसिटेंस इन फॉर टू सर्किट, टू कैपेसिटर्स इन सीरीज प्रोडक्ट ओवर सम। लेकिन आपने इस फार्मूले को तीन के ऊपर नहीं लगाना। ऐसा नहीं है आपसे ये कहा जाए कि ये तीन कैपेसिटर्स हैं और आप इनकी ये मैंने जो मिला दिया ना एच बना दिया, ये मेरी गलती है, ऐसे कभी आप ना कीजिएगा। ये देखें यूं ऐसे बनाते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि यूं बनाए, इस तरह भी मेरे से बनते बनते ये एकदम ऐसे आगे होकर ऐसे हो गया था, ये गलती है। क्योंकि इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट से मिली हुई, जो टेक्निकली गलत है। और अमूमन बूढ़े जो टीचर्स हैं ना कैम्ब्रिज में, जो ज्यादा ओल्ड टीचर्स हैं, उसके ज्यादा नंबर फिर काटते हैं। अच्छा जी, अब ये चीज देखें कि इसमें इसके ऊपर आपने ये, अगर इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है, आपने ये नहीं करना कि आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, आपने ऐसा काम नहीं करना, डोंट हैव टू डू दिस, ठीक है। तो ये आपके पास टू सर कैपेसिटर्स इन सीरीज का एक आपके पास एक फार्मूला आ गया कि इस तरह से आप डील कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज। अब टॉपिक क्या है जी, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज। आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज क्या है वो देख लेते हैं। आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज ये हैं, ये दो कैपेसिटर्स हैं, इनकी टोटल कैपेसिटेंस चाहे तो वो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ये वाला 1/C total इज इक्वल टू 2/C, उल्टा करें तो C total इज इक्वल टू C/2, या चाहे तो प्रोडक्ट ओवर सम वाला लगा लेंगे, जो अभी आपने पढ़ा है। प्रोडक्ट क्या है, C into C over C + C, प्रोडक्ट ओवर सम C² over 2C, ये बनता है किसके बराबर है, C/2 के। तो इस तरह से टोटल कैपेसिटेंस आइडेंटिकल कैपेसिटर्स की, इसका मतलब है सीरीज में देखा मैंने आपको कहा था ना टोटल कैपेसिटेंस डिक्रीज करती है, तो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स दो सीरीज में अगर जोड़े जाएं तो उनकी कैपेसिटेंस बेटा क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अच्छा अब ये चीज देखें कि अगली जो मैंने आपसे बात करनी, अगर तीन कैपेसिटर्स इन सीरीज हो तो फिर क्या होगा, और वो आइडेंटिकल हो तो क्या होगा, 1/C total इज इक्वल टू 1/C + 1/C + 1/C, 1/C total इज इक्वल टू 3/C एंड C total इज इक्वल टू C/3। तो ये यूं ऐसे करके आपने ये बना दिया,
ये आपके पास एक कैपेसिटर सीरीज में इस तरह से आ गया सी बाय थ्री, टोटल ये यूं बन गया, ठीक है कि नहीं। अब हम अगली बात करते हैं, और हमारी अगली बात जो है वो मैंने जो इसमें पढ़ानी है बतानी है वो क्या है, उसकी तरफ हम तवज्जो करते हैं। और ये चीज होगी जनाब हमारी इस तरह से, इसका मतलब इफ वी हैव एन कैपेसिटर्स इन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज, इफ वी हैव एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इफ वी हैव एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, सी ओवर एन। अब यहां पर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल क्या है वो देख लेते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि उन्होंने कहा जी कि ये एक कैपेसिटर है 4 फैरेड का। एक बात याद रखें, 4 फैरेड का कैपेसिटर बड़ा होता है, ठीक है कि नहीं। 4 फैरेड का कैपेसिटर बड़ा होता है। आपको जो स्कूल में लैब में कैपेसिटर्स मिलते हैं वो माइक्रो फैरेड्स के होते हैं, ठीक है कि नहीं। 4 फैरेड का कैपेसिटर इज कंसिडर्ड टू बी अ बिग कैपेसिटर, ठीक है। अब ये चीज देखें कि इसके साथ आप ले लें और एक क्या कहते हैं कि आप कह लें 6 6 फेरेड ले लें जी, 6 फेरेड ले लें और इनको जोड़ लें एक बैटरी से। अच्छा आपको पता है वो बैटरी 12 वोल्ट की होती है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसमें 10 वोल्ट की बैटरी कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस इतनी मुश्किल ना हो। अब क्वेश्चन ये है कि जी कैलकुलेट, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट चार्ज स्टोर्ड अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर्स, जो कि होगा सेम, एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ये एक क्वेश्चन, कैलकुलेट चार्ज स्टोर्ड अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर्स एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ये क्वेश्चन है। आए जरा इसकी मद, इसको कैसे करना है इसको देखते हैं कि इसको कैसे किया जा सके। मुझे यकीन करें कुछ नहीं पता मैं क्या करूं। स्टेप वन देखें क्या, स्टेप वन ये है कि मैं इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूंगा। दो हैं तो मैं ये फार्मूला लगाऊंगा, प्रोडक्ट ओवर सम। तो सी टोटल क्या होगा, प्रोडक्ट होगा 4 × 6 over 4 + 6, 24/10। सी टोटल बन गया जी 2.4 फैरेड। इसका मतलब है कि इनकी टोटल कैपेसिटेंस क्या हो गई, ये कैपेसिटर इनका इक्विवेलेंट हो गया जो क्या है 2.4 फैरेड का, और ये 10 वोल्ट्स। अब आपको पता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे यहां पहुंच जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहां पहुंच जाएंगे। जब इसके ऊपर चार्ज स्टोर होना शुरू होगा, इसकी वोल्टेज बिल्डअप होना शुरू होगा, और कहां तक बिल्डअप होगी, जब इसकी अपनी वोल्टेज 10 वोल्ट हो जाएगी। उसके बाद यहां से मजीद इलेक्ट्रॉन इधर आगे नहीं आ सकते और यहां से मजीद इलेक्ट्रॉन इधर जा नहीं सकते। तो कैपेसिटर ऑलवेज चार्जेस इक्वल टू दी बैटरी वोल्टेज। अब यहाँ बीच में कोई रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड नहीं था तो वो इंस्टेंटली चार्ज हो जाएगा। आपको पता ना किसी कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम 5 RC सेकेंड होता है। अब उसमें रेजिस्टेंस जीरो है तो इंस्टेंटली चार्ज हो जाएगा। तो स्टेप टू ये है कि किस चार्ज तक चार्ज होगा, स्टेप टू ये है कि किस चार्ज तक चार्ज होगा, वो होगा जी सी टोटल इंटू वोल्टेज, वो होगी 2.4 फेरेड है इसकी टोटल कैपेसिटेंस, और इसको वोल्टेज इसको 10 वोल्ट मिली है तो 24 कूलम्स, इसके ऊपर 24 कूलम्स चार्ज हुआ। और हमने पढ़ा कि अगर इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटर के ऊपर 24 कूलम है तो इसके ऊपर भी 24 कूलम है और इसके ऊपर भी 24 कूलम। इसका मतलब यह है
इसको जो भी वोल्टेज चार्ज मिला हुआ है वो 24 कूलम का मिला हुआ है, और इसको भी 24 कूलम का चार्ज मिला हुआ है। अगर हम एक नेगेटिव को -1 कूलम कहते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब मैं 24 तक बनाऊंगा, और यहाँ 24 प्लस बना दूंगा ऐसे करके। अभी मैं जरा बना नहीं रहा लेकिन बन जाते हैं, और इधर उतने ही 24 नेगेटिव बन जाएंगे, इधर 24 पॉजिटिव बन जाएंगे, तो 24 कूलम कूलम चार्ज इनको मिला हुआ। ठीक है कि नहीं? अब होगा क्या, व्हाट विल हैपन? अब इसके क्रॉस अगर आपने वोल्टेज निकालनी है, तो आपको ये तो पता ना कि वोल्टेज चार्ज ओवर कैपेसिटेंस होती है। तो 24 कूलम को 6 फैराड से डिवाइड करें, तो आपके पास क्या आता है, 4 वोल्ट्स। तो इसको मिलेंगे 4 वोल्ट्स, और इसे कितने मिलेंगे, इसके पास भी 24 कूलम चार्ज है। फार्मूला कौन सा लग रहा है, क्यू ओवर सी वाला। तो इसको वोल्ट कैपेसिटेंस इसकी कितनी है, 4 है, तो ये एक बनता कितना है, 6 वोल्ट्स। इसके क्रॉस 6 वोल्ट्स आ गए। ठीक है, अब आपने नोट किया कि जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है उसके क्रॉस वोल्टेज कम है, और जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है उसके क्रॉस जो है, जिसकी कैपेसिटेंस कम है उसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो क्या है, वो ज्यादा बन गई। अब अगर आप एक चीज नोट करें, मैं जो बात आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मुझे कहें कि जी इसमें एनर्जी स्टोर निकालें, तो मैं बड़े आराम से हाफ सी वी स्क्वेयर का फार्मूला लगा सकता हूँ, हाफ क्यू वी का फार्मूला लगा सकता हूँ, और क्यू स्क्वेयर ओवर 2 सी का फार्मूला लगा सकता हूँ, और यही तीनों फार्मूला लगाकर मैं इसके ऊपर भी एनर्जी स्टोर निकाल सकता हूँ। ठीक है, अच्छा एक मेरे पास इन वोल्टेज देखिए, मैंने पहले इनकी टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली, और फिर मैंने चार्ज निकाला टोटल, फिर चार्ज मैंने कहा चूंकि टोटल के पास ये है तो इनके पास भी वही होगा। तो क्या मेरे पास ये वोल्टेज निकालने का कोई शॉर्टकट भी है? तो जी मेरे पास एक शॉर्टकट है, लेकिन ये शॉर्टकट सिर्फ 2 कैपेसिटर्स पे चलता है, और वो पूछे वो कैसे। ये देखिए, अगर अब मुझे मेरे पास ये कैपेसिटर है C1 और ये दूसरा कैपेसिटर है C2, और यूं करके मैं इसको जोड़ लेता हूं इस तरह से, ठीक है कि नहीं? ये है जी टोटल वोल्टेज, और यहां इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो V2 है। हमने ये बात पढ़ी है कि V1 रेशियो जो V2 होगी वो इक्विवेलेंट होगी C2 रेशियो C1 के। हमने ये बात पढ़ी है कि जनाब जो ये रेशियो होगी V1 रेशियो V2 जो है वो होगी C2 रेशियो C1 के बराबर होगी। उल्ट क्यों? क्यों? क्योंकि जिसकी वोल्टेज, जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसके क्रॉस वोल्टेज ज्यादा होगी, और जिसकी वोल्टेज, जिसकी कैपेसिटेंस कम है उसके क्रॉस वोल्टेज ज्यादा है, तो इनवर्स रेशियो हुई ना। तो इसलिए जो V1 की वैल्यू है, V1 को निकालना है, तो मैं ऐसे रेशियो यूज करूंगा, वो C2 को ऊपर रखूंगा और C1 प्लस C2 इनटू टोटल वोल्टेज कर दूंगा। और इसी तरीके से अगर मैंने V2 निकालना हुआ, यानी इसके क्रॉस निकालना हो, तो मैं C1 को ऊपर रखूंगा और C1 प्लस C2 इनटू V टोटल कर दूंगा। ठीक है कि नहीं? ये है वो फॉर्मूला वोल्टेज डिवाइडर रूल का जो कैपेसिटर्स पे इस्तेमाल होता है एक कनेक्टेड इन सीरीज। और आप नोट करें कि ये उस फार्मूले से डिफरेंट है जो आपने रेजिस्टेंसेस के पढ़े थे। रेजिस्टेंसेस में आपने इस तरह पढ़ा था, ये देखें कि ये टोटल वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, इसके क्रॉस आपने वोल्टेज जब निकालनी होती थी और इसके क्रॉस, तो वो पूछे किसके बराबर होती थी, V1 बराबर था R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू V टोटल, और उसमें जो फिर V2 भी इसी तरह था, यानी इसमें V1 रेशियो V2 जो थी वो R1 रेशियो R2 ही थी। और इस पे जो फार्मूला है वो 2 रेजिस्टेंस इन सीरीज के अलावा 3 पे भी लग सकता था। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, और आपसे कोई कहता है कि ये R1 है, इसके क्रॉस आप वोल्टेज निकालें, तो ये वोल्टेज बराबर होगी R1 ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3 इनटू टोटल वोल्टेज, तो ये उसके बराबर है। अच्छा आप पूछ सकते हैं सर ये इनवर्स का कोई और भी हमने रूल पढ़ा था कभी? जी हाँ, हमने पढ़ा था। आप नोट करें, आपने जब करंट डिवाइडर रूल पढ़े थे, करंट
करंट डिवाइडर रूल, वो डिवाइडर रूल जो सिर्फ दो रेजिस्टेंसेस पे लग सकता है, ये आर वन है, ये आर टू है। यहां से करंट आया टोटल, उसमें से आई वन चला गया यहां, आई टू चला गया यहां, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आर टू ज्यादा होगी तो आई वन ज्यादा होगा, और आर वन ज्यादा होगी तो आई टू ज्यादा होगा। इसको आप आई वन रेशियो आई टू जो थी वो थी आर टू रेशियो आर वन, उलट थी। इसीलिए वहां पर भी रूल ये था कि आर टू ओवर आर वन प्लस आर टू इनटू टोटल करंट, यानी निकालना आई वन उसके लिए आर टू ऊपर रख रहे हैं, और उसी तरह से फिर आई टू के लिए भी रूल बन जाता था। तो पता चला कि जो इनवर्स वाले होते हैं ना, ये सिर्फ दो पे लगते हैं, और वो जो डायरेक्ट वाले होते हैं जिसमें ये वी वन है ये आर वन है, वो दो पे भी लग जाते हैं, वो तीन पे भी लग जाते हैं, वो चार पे भी लग जाते हैं। अच्छा, अब इस फार्मूले को मैं इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में कैसे इस्तेमाल करूंगा वो देख लेते हैं। मुझे क्वेश्चन क्या दिया गया था, कि ये 10 वोल्ट, अगर मैं डायरेक्ट ये वाली वोल्टेज निकालना चाहता तो मैं क्या करता, मैं करता जी V1 बराबर है, इस वाली कैपेसिटर को ऊपर रखूंगा, इन दोनों को सम को नीचे रखूंगा, और टोटल वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6 वोल्ट इसकी वोल्टेज आ गई। और इसकी वोल्टेज निकालना चाहूंगा, इसकी वोल्टेज निकालना चाहूंगा तो इस कैपेसिटेंस को ऊपर रखूंगा, और इन दोनों के सम को नीचे, और टोटल वोल्टेज, ये सम ऑफ कैपेसिटेंस और ये वोल्टेज, तो 4 वोल्ट आ गए। और इस तरह फिर मैं चार्ज भी आराम से निकाल सकता हूँ, क्योंकि जाहिर है मुझे पता है कि इसके ऊपर चार्ज क्या है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, तो वो सेम है, और Q is equal to CV से वो निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगली बात आपसे करता हूँ कि अभी तक में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि ये कैपेसिटर 4 वोल्ट का था, 4 फेरेड का था, ये कैपेसिटर जो था ये 6 फेरेड का था, और ठीक है यू। अच्छा जी, अब इस तरह से हुआ कि जनाब जब ये चीज ऐसे हो गई, तो अब क्वेश्चन आपसे ये है कि उसने कहा कि इसके ऊपर, आपको याद है हमने पीछे जब कैलकुलेशन किया कि इसके ऊपर 24 कूलम है, इसके ऊपर 24 कूलम। अगर आप इसी सर्किट के अंदर एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, जी अगर अब आपने रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जी इसके रेजिस्टर के, अच्छा भले ये रेजिस्टर इधर कनेक्टेड हो, भले ये रेजिस्टर इन दोनों के बीच में कनेक्टेड हो, भले ये रेजिस्टर इस साइड पे कनेक्टेड हो, यानी ऐसे हो, इस तरह से कनेक्टेड हो, तो क्या इसमें बात बनेगी, वो मैं आपको बता देता हूं। वो ये है कि इस रेजिस्टर के इधर कनेक्ट होने से ये होगा कि ये फर्ज करें 10 वोल्ट्स थी और ये इसकी रेजिस्टेंस R है, तो ये अब इंस्टेंटली चार्ज नहीं होंगे, यानी ये तो था ना कि इधर आपने स्विच कनेक्ट किया तो फ्यू माइक्रो सेकेंड्स में ये चार्ज हो गए, ठीक है ना, ये तो मैंने आपको बताई थी बात, ठीक है। मगर इस पर्टिकुलर केस में अब देखें क्या होता, वो ये है कि अब जब R लगा देंगे तो इनिशियल जो करंट है वो 10 ओवर R हो जाएगा, ये इनिशियल करंट होगा, और करंट लिमिटेड करंट यहां जाएगा और स्लोली जाएगा, नतीजतन इनको चार्ज होने में थोड़ी देर लगेगी। ये फाइनल वोल्टेज इसके क्रॉस 6 वोल्ट के क्रॉस वही 4 वोल्ट ही होगी, 6 फेरेड के क्रॉस, इसके क्रॉस 6 वोल्ट ही होंगे उसी 4 फेरेड के क्रॉस। इसको टोटल चार्ज पहले भी 24 कूलम मिला था, इसको भी 24 कूलम ही मिलेगा। इस रेजिस्टेंस के होने से इनके फाइनल चार्जेस और वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि जो काम यहां फौरन हो गया था यहां 5 RC सेकेंड्स के बाद होगा, 5 RC सेकेंड्स के बाद इनका यही स्टेटस होगा जो यहां था। तो पता चला कि रेजिस्टर के सर्किट में आने से सिवाय डिले होने के कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कि नहीं।
और एक चीज जो मैंने बात की थी क्लास में भी और मेरे ख्याल मैंने यहाँ पर शायद की है, मैं दोबारा वो बारह जरूर अभी दोबारा उसको दोहराना पसंद करता हूँ कि वो बात भी करनी बहुत जरूरी है। और वो क्या बात है, वो ये है कि ये चीज देखिए आप कि ये एक कैपेसिटर, ये इसके साथ एक रेजिस्टर है, ये बैटरी है, ठीक है। अब अगर बैटरी की वोल्टेज V है तो बैटरी हर कूलम के ऊपर V जूल्स का वर्क करती है। बैटरी अगर यहां से Q कूलम्स सप्लाई करती है, यहां जाकर माइनस क्यू चार्ज खड़ा हो गया और यहां से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो ये जगह पॉजिटिवली चार्ज हो गई है और फर्ज करें प्लस क्यू पे चार्ज हो गई है। अच्छा आपको बताऊं कि हमारे पूरे ए लेवल के सिलेबस में ऐसी कोई सूरत हाल हम डिस्कस नहीं करेंगे जिसमें इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज हो और इस प्लेट पे पॉजिटिव हो और वो दोनों डिफरेंट हो। अनसिमेट्रिकल चार्जेस हम डिस्कस नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इस पे माइनस 10 कूलम हो और इस पे प्लस 15 कूलम हो, हम इस तरह की कोई सिचुएशन डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस तरह का काम बड़े सोफिस्टिकेटेड बड़े हाई टेक एक्सपेरिमेंट्स में हो सकता है, हम नहीं डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब क्या बात मैंने आपसे करनी थी वो ये है कि अब ये होगा कि ये रेजिस्टर आर है, अब इसने जो बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की वो क्यू वी थी और कैपेसिटर ने जो एनर्जी स्टोर की वो क्यू वी बाई टू थी, ठीक है कि नहीं है, और आधी एनर्जी यहां जाया होगी। तो ये इस तरह की इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक बच्चे को उसके अबू चॉकलेट लेके दें तो वो हमेशा चॉकलेट का रैपर उतारते वक्त आधी चॉकलेट जाया कर दे या आधी चॉकलेट हमेशा ही खराब करे, उसका कोई पक्का आदत सी बन गई, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसने जब भी चॉकलेट खाई आधी जाया की। इसी तरह से कैपेसिटर जब भी बैटरी से चार्ज होता है आधी एनर्जी वायर्स में दे देता है। अगर आपके पास ये आर नहीं, आपने बहुत सिंपल कनेक्शन किया हुआ इस तरह से और यूं कर दिया है और इस तरह कैपेसिटर चार्ज हुआ है, यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं, यहां जाकर आ गए हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन यूं चल पड़े हैं, तो तब भी कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर क्यू वी बाई टू होगी। क्यू वी वो एनर्जी है जो इस बैटरी ने दी और बाकी आधी इन्हीं तारों में ही उसने जाया होना है, अब जो मर्जी कर लें इसमें और इसमें मिलाकर। और नतीजतन अगर आपने बहुत अच्छी कॉपर वायर्स दी तो ये ऐन है कि ये सुर्ख हो जाए गर्म होकर इतनी ज्यादा, क्योंकि इनको इतनी ज्यादा हीट मिली है जिसको इन्होंने क्विकली डेसिपेट करना है, तो ये हीटअप हो जाए, क्वाइट पॉसिबल कि ये मेल्ट कर जाए, क्वाइट पॉसिबल कि ये मेल्ट कर सकती है। तो ये है जी असूल जिसपे कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता है और एनर्जी स्टोर करता है। तो इससे बेटा जो हमारा अब आगे हम चलते हैं, यहां तक थी ये सीरीज का डिस्कशन था जो एंड हो गया। अच्छा जी, अब इसमें एक मैंने वैसे मैं आपको बता देता हूं कि मैंने अक्सर ये क्वेश्चन भी पेपर में देखा है कि ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, फर्ज करें वो कहता है जी कि ये 4 फेरेड का है, ये 6 फेरेड का है और इनको मैंने वो 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया तो ये 10 वोल्ट की बैटरी होगी, इसको चार्ज मिल गया 24 कूलम का और इसके क्रॉस वोल्टेज आ गई 4 वोल्ट, ठीक है कि नहीं। अब वो कहता है जी मैंने इस कैपेसिटर को डिटैच कर लिया सर्किट से डिटैच कर लिया तो ये यूं हो गया। अब डिटैच हो गया तो इसका मतलब है ये बात तय है कि इस बेचारे का चार्ज कहीं भाग नहीं सकता, इसकी प्लेट एक खास लेवल पर नेगेटिव रहेगी और इसका पॉजिटिव चार्ज जो है ये एक खास लेवल पे रहेगा, ठीक है कि नहीं, इसका चार्ज कहीं भाग नहीं सकता, ये किसी कैपेसिटेंस का नहीं है, ये कूलम्स है। अच्छा अब आप ये चीज देखें और वोल्टेज इसके ऊपर 4 वोल्ट है, कैपेसिटेंस इसकी 6 फेरेड है। अब वो कहता है जी मैंने इसकी कैपेसिटेंस को डिक्रीज किया, अगर ये 2 प्लेटें हैं ना इनको ऐसे खींच के दूर कर देना तो उससे भी कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाती है और अगर उनका ये ऐसे कर देना एरिया ऑफ ओवरलैप डिक्रीज कम कर दें तो उससे भी कैपेसिटेंस कम हो जाती है। वो कहता है मैंने इन दोनों प्लेटों को खींच के दूर किया, किसी भी तरीके से मैंने कैपेसिटेंस 4 गुना कम कर दी, यानी 6 फेरेड थी तो 1.5 फेरेड कर दी। बेटा आप ये याद रखें कि चार्ज इक्वल टू सी वी होता है, अगर आप कैपेसिटेंस को 4 गुना कम करेंगे तो जो वोल्टेज है ना वो 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका चार्ज कहीं भाग नहीं रहा, आपने उसको कोई आउटलेट दी भी नहीं है, तो आपके ऐसा करने से वोल्टेज उसकी 16 वोल्ट हो जाएगी। और इस तरह होने से क्या होगा, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ एनर्जी का हाफ सी वी स्क्वायर, अब कैपेसिटेंस आपने कम की वोल्टेज बढ़ गई, कैपेसिटेंस आपने 4 गुना कम की वोल्टेज 4 गुना बढ़ गई,
मगर आपने एनर्जी के फार्मूले में देखा है कि ये हाफ सी वी स्क्वेयर, तो इसका मतलब एनर्जी पर वोल्टेज का असर ज्यादा है क्योंकि वोल्टेज स्क्वेयर है, तो एनर्जी उससे एनर्जी बढ़ जाएगी। और उसने पेपर में पूछा था कि ये मैंने कैपेसिटर डिटैच किया सर्किट से, उसकी कैपेसिटेंस डिक्रीज की, कैपेसिटेंस डिक्रीज करने से क्या क्या होगा। आपने कहा जी के वोल्टेज बढ़ जाएगी, वोल्टेज बढ़ेगी और उसमें एनर्जी स्टोर बढ़ जाएगी। अच्छा, अब जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो ये कैसे प्रूफ होगा कि जनाब इसमें क्या कहते हैं, ये वो कहेगा कि जी एक्स्ट्रा। अब आपको मैंने भी बताया कि कैपेसिटेंस का कम होना एनर्जी को डिक्रीज तो करता है, लेकिन वोल्टेज का चार गुना, मतलब कैपेसिटर अगर फोर टाइम्स कम हुई है तो वोल्टेज फोर टाइम्स बढ़ गई है, मगर एनर्जी जो कि हाफ सी वी स्क्वायर से तलक रखती है उस पर वोल्टेज की टर्म स्क्वायर हो रही है, तो वोल्टेज का बढ़ना उसको ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। वोल्टेज के बढ़ने से उस पर जो ज्यादा इम्पैक्ट होगा तो उसकी कैपेसिटी एनर्जी फोर टाइम्स ज्यादा बढ़ जाएगी। ये देखे ना, कैपेसिटेंस जो है वो आपने फोर बाय टाइम कम की, वोल्टेज फोर टाइम्स बढ़ा दी, इसका ओवरऑल जो फर्क है वो आपको पता है कि 16/4 बनता है। ये यूं हाफ सी वी स्क्वेयर, आप खुद नोट करें कि ये चीज फोर टाइम्स एनर्जी बढ़ रही है, यानी एनर्जी फोर टाइम्स बढ़ जाएगी पुरानी एनर्जी के। तो इस तरह करने से क्या होगा, वो पूछता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत ये एनर्जी बढ़ी कहाँ से है? आपके वर्क डन इन रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस, यानी प्लेटों को खींच के जो मैंने दूर किया, आई डिड सम वर्क, और वो जो वर्क मैंने किया वो दैट वॉज रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस, और जब वो कैपेसिटेंस को रिड्यूस कर रहा था, मेरे ऐसे करने के एक्शन ने वोल्टेज को क्या कर दिया, बढ़ा कर दिया और एनर्जी स्टोर बढ़ गई। तो वर्क डन इन रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस इंक्रीज, वो ज्यादा वो एनर्जी स्टोर में कन्वर्ट हो गई। ये बातें थी सारी सीरीज की कैपेसिटर्स की। ठीक, आए अब हम आगे चलते हैं, और हमारा जो अगला पॉइंट है जो हमने डिस्कशन में लाना है वो पूछे वो कौन सा पॉइंट, अगला पॉइंट जो हमने डिस्कशन में लाना है वो क्या है, वो ये है कि ये चीज देखें, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है, वो खुल के चार्ज स्टोर करते हैं और अपनी मर्जी से चार्ज स्टोर करते हैं। ये देखें यहां से ये भाई, इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे ये एक बाल्टी है, ये एक टैंकी है, ये एक दूसरी टैंकी है और ये एक तीसरी टैंकी। आप इसमें पानी स्टोर करते हैं इस लेवल तक, इसमें भी पानी स्टोर करते हैं इस लेवल तक, और इसमें भी पानी स्टोर करते हैं इस लेवल तक। आपने लेवल सेम रखा, क्या सेम रखा हुआ है, लेवल सेम रखा हुआ है, तो नतीजा तन सब में लेवल सेम रखने का मतलब है वोल्टेज सेम रहती है। या यूं कह लें कि आपके पास एक बक्सा है, ये एक और बक्सा है और एक और बक्सा है, आप कहते हैं मैं खास जोर लगाऊंगा। अब वो फर्ज करें आपने इसमें सरहाने डालना शुरू किए, तो पांच सरहानों से ये आपने देखा कि भर गया, और इस दौरान आपकी एनर्जी खर्च हुई 10 वोल्ट्स की, 10 जूल्स की। तो अब आपने फिर इसमें सराहने डालना शुरू हुए, आपने देखा कि ये 6 सराहनों से ही भर गया है, ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, खाली 10 वोल्ट्स की एनर्जी यहाँ खर्च होगी, और इसमें आपने देखा कि ये 4 सराहनों से ही भर दिया आपने इसको, और इस पर भी 10 वोल्ट्स की खर्च। तो इसका मतलब है कि इसमें आप ठूंसते नहीं चीजों को, हर एक अपनी मर्जी के मुताबिक चीज ले लेता। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती, फर्ज करें यहां से 18 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, 18 मिलियन 10^6 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर 18 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स वापस आएंगे, ये नामुमकिन है कि ना है। अब उनमें से फर्ज करें 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए और 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए और 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए। यहां जब 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो यहां से 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट से आगे चल पड़ेंगे, क्योंकि इस ये जो प्लेट पर इलेक्ट्रॉन आएंगे ये इनको इन्फ्लुएंस करेंगे, रिपेल करेंगे ने, तो यहाँ प्लस का चार्ज हो जाए। यहाँ जब 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे तो यहाँ से 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आगे चल पड़ेंगे, यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। ये जब 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ से 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आगे चल पड़ेंगे और यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। अब इसको आप कह लें Q1, Q2, Q3, और इसको C1 कह लें, C2 कह लें, C3 कह लें। अब इनका
टोटल जो वोल्टेज है सबके क्रॉस सेम है पैरेलल में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर आप नोट करें तो जो बात समझने वाली है वो ये है कि जो बात इसमें ये इनका अकेला कैपेसिटर वो होगा जो वो 18 मिलियन इलेक्ट्रॉन इकट्ठे ले लेगा, और 18 ये ऐसी जैसे इनके इक्विवेलेंट वो बक्सा होगा जो ये 10 सरहाने भी स्टोर कर ले अपने अंदर, ये 6 भी और ये 4 भी, तो वो 20 सरहाने उसके अंदर भी आ जाएं और उनको 20 सरहानों को इसके अंदर डालने के लिए कोई खास वर्क भी ना करना पड़े, उतना ही करना पड़े। तो इसका मतलब है कि इसका जो टोटल चार्ज है वो इन तीनों के चार्जेस के क्या होगा, बराबर होगा, सम के बराबर होगा। तो वो कितना बनता है, क्यू टोटल इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री एंड सी टोटल वी इज इक्वल टू सी वन वी प्लस सी टू वी प्लस सी थ्री वी। और इसमें से आप v को कॉमन ले लें तो c टोटल इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3, ये आपके पास टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल आ जाती है। ये थी बातें, यहां पर बातें बेटा खत्म हो रही हैं किसकी, कैम्ब्रिज की बातें खत्म हो रही हैं, यहां पर बातें किसकी खत्म हो रही हैं, कैम्ब्रिज की, ठीक है। अब हम बात करते हैं FSC से रिलेटेड कुछ बातें एक्स्ट्रा हैं जो FSC से रिलेटेड हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस करनी है, ठीक है। वो है जी फैक्टर्स अपॉन विच द कैपेसिटेंस डिपेंड्स, फैक्टर्स अपॉन विच द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स। यहां से FSC या SAT 2 फिजिक्स की बातें शुरू हो रही हैं, ठीक है कि नहीं, FSC और SAT 2 फिजिक्स की बातें हैं, ये कैम्ब्रिज में ये फार्मूला नहीं है, ठीक है कि नहीं। आए जी वो हम बात क्या करते हैं वो मैं आपको बात बता देता हूं आपके सामने, वो ये बात है कि अब सादी सी बात है, वेरी सिंपल सी पॉइंट है कि एक कैपेसिटर है छोटे साइज का, मैं मिसाल देता हूं कि देखें ये एक कैलकुलेटर है और ये इसके साथ ये दूसरा सेल फोन है, ये एक कैपेसिटर, ठीक है कि नहीं, और जाहिर है कि इसकी एक कैपेसिटेंस है। अब इसके बजाय आप ये देखें कि अगर फर्ज करें कि ये एक ये जो पेपर आपके सामने पड़ा है, इस पेपर को एक पूरी प्लेट समझ लें और एक और पेपर इसके साथ रखता हूं ऐसे करके, मतलब फर्क दोनों में थोड़ा डिस्टेंस है, यूं थोड़ा उठा हुआ हो, या यूं कह लें कि ये दोनों इस तरह से हैं। अब मुझे खुद बताएं कि ये क्या ये कैपेसिटर बड़ा कैपेसिटर नहीं है, एरिया ऑफ ओवरलैप ज्यादा नहीं है, तो बता जब कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ ओवरलैप, यानी इस तरह करके छोटा कैपेसिटर हो जो दो प्लेटें हों जिनमें मतलब आप कह लें कि एरिया ऑफ ओवरलैप ही कम हो आपस में, आमने सामने वो इस तरह फर्ज करें कि इस तरह का एक ATM कार्ड और हो वो इसी साइज का हो और वो यूं इसके सामने हो, तो ये एक छोटा कैपेसिटर बनेगा, यूं करके देखें ये एक छोटा कैपेसिटर है क्योंकि इसमें एरिया ऑफ ओवरलैप ऑफ द टू प्लेट्स यानी आमने सामने जो उनके एरिया आ रहे हैं वो कम है, इसकी निस्बत ये एक बड़ा कैपेसिटर है, सिंपल सी बात है क्योंकि इसके और इससे भी बड़ा फिर बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं, तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स, वो एरिया जो उनके पैरेलल रन करता है आपस में, ठीक है कि नहीं, और उसके एरिया ओवर ऑफ ओवरलैप से क्या होता है कि वो ज्यादा उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही बात है जिस तरह आपको पता है ये प्लेट है और ये इससे एक बड़ी प्लेट है, इसके ऊपर से चार इलेक्ट्रॉन छीनेंगे तो प्लस यूं चार्ज आ जाएगा, इससे चार इलेक्ट्रॉन छीनेंगे तो वो यूं आ जाएंगे। अब इससे चार इलेक्ट्रॉन छीनना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज फिर बहुत करीब होगा, जब वो बहुत करीब होगा तो एक दूसरे को रिपेल भी ज्यादा स्ट्रांगली करेगा और वो जो आप इलेक्ट्रॉन छीन रहे होंगे उन्हें अट्रैक्ट भी स्ट्रांगली करेगा, इस पे से चार इलेक्ट्रॉन छीनना इसलिए आसान है क्योंकि ये एक दूसरे से दूर हैं और एरिया ज्यादा, ये दोनों रिपेल होकर एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और इनके दूर जाने से इसकी वोल्टेज कम हो जाती है, इधर इनकी वोल्टेज ज्यादा होती है, क्योंकि अगर वोल्टेज कैसे ज्यादा होती है इनकी कि अगर आप इधर यहाँ प्लस वन कूलम रखें तो ये चारों मिलकर उसे जोर का धक्का मारेंगे, इनके सामने आप प्लस वन कूलम रखें तो ये चारों का उसको जो धक्का लगेगा वो इतना जोर वाला नहीं होगा, इतनी एनर्जी वाला नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि इसकी वोल्टेज कम और इसकी वोल्टेज ज्यादा, अगर इसकी वोल्टेज ज्यादा तो इसकी कैपेसिटेंस कम और इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है,
इसका मतलब है कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा फैक्टर आ जाता है कि ये देखें, ये दो प्लेटें, ये यूं, और इसके बजाय ये देखें, ये दूसरी दो प्लेटें, ये दोनों दो प्लेटें जो बहुत करीब हैं और ये दो प्लेटें जो है दूर हैं, ये इनके दरमियान डिस्टेंस डी है और ये इनके दरमियान डिस्टेंस डी है, ठीक है। अब आप ये चीज देखो कि फर्ज करो कि इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ पॉजिटिव चार्ज है। फर्ज करें जितना चार्ज इसके ऊपर है उतना ही चार्ज इसके ऊपर है, ठीक है कि नहीं? तो क्या होगा, इसमें मजीद चार्ज स्टोर करना मुश्किल होगा, इसमें मजीद चार्ज स्टोर करना आसान होगा। भला कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। यहां से आप एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं तो ये सारे इलेक्ट्रॉन उसे रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर आपका काम मुश्किल कर देंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मिलकर आपका काम क्या कर देंगे, मुश्किल कर देंगे, ठीक है, मुश्किल कर दिया इन्होंने। मगर ये वाले चार्ज आपको मदद करने को तैयार है, ये आपको रिपेल कर रहे हैं, ये आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, मगर अट्रैक्ट करने वाले वो दूर हैं, रिपेल करने वाले नजदीक हैं। तो इसका मतलब आपको ओवरऑल कुछ ना कुछ तो वर्क करना ही पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। यहां पर क्या, यहां पर जब आप एक इलेक्ट्रॉन को इस वायर के थ्रू यहां लाकर यहां स्टोर करना चाहते हैं इस प्लेट पे, तो आपको रिपेल करने वाले हैं तो मौजूद हैं, लेकिन अट्रैक्ट करने वाले भी करीब आ गए हैं, तो उनकी इनकी रिपल्शन किसी हद तक सबसाइड हो जाएगी इनकी अट्रैक्शन की वजह से। यहां पर भी आप इसे लाने में वर्क करना पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं करना पड़ेगा जितना यहां करना पड़ा। तो नतीजातन क्या होगा, नतीजातन ये होगा कि इसकी इस पे वोल्टेज कम होगी क्योंकि इस पे वर्क डन करना आसान है और इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है क्योंकि ये भी मजीद कुछ इलेक्ट्रॉन कम वर्क डन से ले लेगा और उस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डालने के लिए ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ये चीज होगी। अब तीसरी बात देखें, हम दोनों प्लेटों के दरमियान जो मटेरियल इंसर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है कि नहीं? अब ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और ये इनके दरमियान एक इंसुलेटर जो यूं पड़ा हुआ। अब हम इंसुलेटर के बारे में हमारा दिल है कि वो कंडक्ट ना करे, क्या ना करे, कंडक्ट ना करे। अच्छा, लेकिन इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से उसके अंदर डायपोल्स तो अपीयर हो सकते हैं ना, ऐसा तो हो सकता है कि उसके ये एटम्स, ये फर्ज करें उसके एटम्स हैं, ये उसके क्या हैं, एटम्स, तो उसका एटम का ये हिस्सा नेगेटिवली चार्ज हो जाए और ये हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाए और ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो बेशक वो इंसुलेटर कंडक्ट ना करे मगर भले पोलराइज हो जाए। ये जो उसकी पोलराइज होने की एबिलिटी है ना, इसको कहते हैं परमिटिविटी। क्या कहते हैं, परमिटिविटी, ठीक है कि नहीं? आप देखें मिसाल के तौर पे, आपको पता है HCl का जो मॉलिक्यूल होता है वो बड़ा पोलर होता है, ठीक है ना, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल पोलर नहीं हो सकता क्योंकि उसके साइडों पे नेगेटिव और बीच में पॉजिटिव। तो पता चला कि परमिटिविटी होती है मेजर ऑफ पोलराइजेशन। हम ये चाहते हैं कि एक इंसुलेटर डाइइलेक्ट्रिक भले कंडक्ट तो बेशक ना करे लेकिन पोलराइज बेशक हो जाए। उसके पोलराइजेशन का हमें फायदा क्या है, जब यहां से हम एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन हमें रिपेल कर रहे हैं कि भाई ना लाओ आगे, बड़ी जगह तंग है, मगर ये पॉजिटिव चार्ज आपको अट्रैक्ट कर रहा था, हेल्प कर रहा था इस इलेक्ट्रॉन को यहां लाने में। मगर अब वो पॉजिटिव चार्ज जरा दूर था, इंसुलेटर का पॉजिटिव चार्ज और करीब आ गया है और वो आपको ज्यादा अच्छी हेल्प करता है, उसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ आकर स्टोर होना ज्यादा आसान हो जाता है। तो कैपेसिटर की पोलराइजिंग एबिलिटी से, सॉरी डाइइलेक्ट्रिक की पोलराइजिंग एबिलिटी से भी कैपेसिटेंस की बढ़ती है कैपेसिटेंस, और इन सारे फैक्टर्स को मिलाया जाए तो कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो इस फार्मूले से दी जाती है, एप्सिलॉन और ए और डी। अब आप ये चीज देखें कि इस परमिटिविटी को आप फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड करें तो आपके पास आती है रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा जी, और परमिटिविटी ऑफ एनी मटीरियल इज इक्वल टू द फैक्टर बाय विच इट्स परमिटिविटी इज बिगर देन फ्री स्पेस मल्टीप्लाइड बाय फ्री स्पेस परमिटिविटी।
हम अमूमन इस तरह से बेटा डिफाइन करना पसंद करते हैं। भला क्यों? देखिए पहले आपको पता है, फर्ज करें आपको पता हो डेंसिटी ऑफ किसी मटेरियल की 7800 kg, और आपको पता हो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1000 है। अब आप उस वाटर की डेंसिटी याद कर लें और उसकी रिलेटिव डेंसिटी याद कर लें कि वो 7.8। एक तो आप उसकी रिलेटिव डेंसिटी को 7.8 को वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डेंसिटी आ जाएगी, यानी उसकी डेंसिटी को, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डेंसिटी आ जाएगी। एक तो ये पता है, प्लस आपको ये भी कंपैरिजन भी आ जाएगा कि वाटर से वो 7.8 टाइम्स, वाटर से वो 7.8 टाइम्स हैवियर है। इस तरह से पता चल जाता है कि फ्री स्पेस से ज्यादा अच्छा पोलराइजिंग मटेरियल कौन सा है। उस तरह से ये फार्मूला फिर अपनी शक्ल ले लेता है, यू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू दिस। बेटा मेरी गुफ्तगू कैपेसिटर्स पे खत्म नहीं हुई है, मैं अभी मजीद इसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला बातें करेंगे और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।